दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी को किंग्सवे कैंप ले जाया गया। दरअसल राहुल गांधी ईडी द्वारा सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ के खिलाफ विजय चौक पर धरना दे रहे थे। उनके साथ कई कांग्रेसी सांसद भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलकर उनको ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन उनको विजय चौक से आगे नहीं जाने दिया गया। जब राहुल गांधी को विजय चौक पर रोक दिया गया तो वो धरने पर बैठ गए। केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई अन्य कांग्रेसी सांसदों को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं और सांसदों ने संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाला था। हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विजय चौक पर कांग्रेस सांसद आए हुए हैं, उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई सहित कई मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन पुलिस यहां बैठने ही नहीं दे रही। संसद के अंदर भी चर्चा की इजाजत नहीं है, यहां हमें पुलिस गिरफ्तार कर रही है। जनता की आवाज, ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको, ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है, पहचान लो। वही वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम लोग पुलिस द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब हमें हिरासत में लिया गया है। सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। मंगलवार की सुबह सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी के साथ दिल्ली स्थित ईडी हेडक्वार्टर पहुंची, जहां उनसे नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जा रही है। ईडी इससे पहले 21 जुलाई को भी सोनिया गांधी से पूछताछ कर चुकी है। वहीं राहुल गांधी से भी इस मामले में 18 जून से लेकर 3 दिनों तक पूछताछ हुई थी। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। झारखंड में भी कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में नेता और कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं। बायोम, डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगर टोली रांची। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in